मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और अब हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे है एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 dx। बड़ा आसान सा सवाल है, इसको बहुत आसानी से कर देंगे हम। आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा इस तरह से लिख लें, एक्स क्यूब अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 होल स्क्वायर dx और t रख दें एक्स टू द पावर 4 को, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dt बाय dx 4x क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब dx। एक्स क्यूब डीएक्स को आप किससे रिप्लेस कर पाएंगे, आप समझे, एक्स क्यूब डीएक्स कैन बी रिप्लेस बाय डीटी बाय 4 और ये इंटीग्रल होगा। देयरफॉर द इंटीग्रल विल बी आई इज इक्वल टू डीटी बाय 4 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बाय 4 डीटी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ यू नो इंटीग्रल ऑफ दिस 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इज साइन इनवर्स टी बिकॉज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स टी। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स टी अपॉन 1 या फिर ये फॉर्मूला यूज कर ले, इधर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी और टी का वैल्यू रख दे। टी का वैल्यू क्या होगा तो देखिए 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब अपॉन रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 8। इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चन हैं, आप यू मे ट्राई योर सेल्फ। साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें आप कॉस एक्स को टी रख दें और ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। दूसरा केस और मैं एक आपको बताता हूं, e टू द पावर एक्स अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x को आप लिखें e टू द पावर एक्स होल स्क्वायर और e टू द पावर एक्स को टी लिखें। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। और भी इस तरीके से अपन क्वेश्चन बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, जिनको आप बड़े मजे के साथ कर सकते हैं। तो ये टेक्निक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप अपने दोस्तों से चर्चा करिए और सबको बताइए इस तरीके के क्वेश्चंस और सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम हो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।